इसका मतलब कि उनको प्रभुपाद जी के ग्रंथों में बहुत रुचि है, खुद उसको अध्ययन करते हैं और सबको शिक्षा बांटते हैं वो, और ये हम सबका परम सौभाग्य है। शास्त्र में बताया गया है कि ये बहुत बड़ा सौभाग्य हम सबके जीवन में होता है जब हमको ऐसे साधु का संग प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में भागवत में कहते हैं कि न तो तीर्थ स्थान पर जाने पर और न ही मूर्तियों की सेवा करने से हमें वो फल प्राप्त होता है जो कि दर्शनात एव साधु, जो कि केवल तत्क्षण ऐसे साधु जिन्होंने अपना पूरा जीवन अपने आध्यात्मिक गुरु और भगवान की सेवा में व्यतीत कर दिया है, उनका दर्शन मात्र से हमारा जीवन पवित्र हो जाता है। तो हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं, वे एक्सट्रीमली ग्रेटफुल महाराज का संग प्राप्त करके, और हम सब महाराज का स्वागत करेंगे हृदय से भगवान के नाम का आशीर्वाद लेते हुए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्री प्रभुपाद की जय। और जो भक्त आज पहली बार आए हैं उनका विशेष स्वागत है, लाइक टू वेलकम ऑल्सो आदि वेलकम फ्रॉम दामोदर देश। और जो भी भक्त आज पहली बार यहाँ पाए हैं उनका भी विशेष स्वागत है। हरे कृष्ण। आप सबसे विनती है अपने जेब में हाथ डालिए, अपने मोबाइल फोन को बाहर निकालिए, सब लोग प्लीज कृपा करके, और उसको साइलेंट पे कर लीजिए, शांत में कर लीजिए उसको, सबसे विनती है। और जो आपके पास में आके बैठेंगे थोड़ा देर में अभी आएंगे उनको भी बताइएगा। जय राधा माधव जय राधा माधव कुंजा बिहारी, जय राधा माधव कुंजा बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदा नंदन व्रज जन यशोदनन्दन व्रज जन रंजन, यमुन के रावण चारी, यमुना तेरा बनचारी, जय राधा माधव कुंजा बिहारी, जय राधा माधव कुंजा बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी,
Yashodanandana, Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Gaur Premanande Hare Hare Bol Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Narayanam Namaskrityam Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasatim Vyasam Devim Sarasatim Vyasam Tato Jaya Mudiraya Tato Jaya Mudiraya Nasta Prayeshu Vapadreshu Nasta Prayeshu Vapadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtaki Bhaktir Bhavati Naishtaki So with the approaching festival of Nrisingha Chaturdasi, the appearance day of Lord Nrisingadev, we're attempting to speak something on the glories of Prahlad Maharaj. So, चूंकि हम सब कुछ दिनों में श्री नरसिंह चतुर्दशी उत्सव आने वाला है, उसके ऊपर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं के बारे में कुछ श्रवण करें. So Prahlad Maharaj, of course, is the son of Haranyakashipu, the great Asura who was terrorizing the universe and who conquered all the demigods. So Prahlad Maharaj, Haranyakashipu, jo ek mahan asur hain, unke putra hain
ऐसे असुर जिन्होंने पूरे उस समय ब्रह्मांड में लगभग पूरी विजय प्राप्त कर ली थी. So, although Prahlad was born in the Asura family, he was a very saintly devotee. तो हालांकि उनका जन्म असुर परिवार में हुआ था प्रहलाद महाराज का, लेकिन वो एक बहुत ही साधु पुरुष थे. And he was sent by his father. He was put into the Gurukula with all the other children from the Asura family. और उनके पिताजी के द्वारा जो असुरों के लिए एक विद्यालय था, जो असुर के पुत्रों के लिए, पुत्र पुत्र के लिए, वहां पर गुरुकुल में उनको भेजा गया शिक्षा ग्रहण करने के लिए, आसुरिक शिक्षा. So the asuras, they have a very different nature from the devotees. जैसा हम सब जानते हैं कि असुरों का जो स्वभाव होता है वो भक्तों से वो बहुत भिन्न होता है. The asuras make a distinction. Who is a friend and who is an enemy? क्योंकि असुरों में शिक्षा दी जाती है कि ये द्वंद करना, ये भेदभाव करना कि कौन हमारे मित्र हैं, कौन हमारे शत्रु हैं. But the devotees, they don't make that kind of distinction. They see the Lord in the heart of everyone. लेकिन जो भक्त होते हैं वो समदर्शी होते हैं, वो हर जगह पर भगवान की उपस्थिति, परमात्मा की उपस्थिति को देखते हैं, इसलिए कोई भेदभाव नहीं करते. So this section of Lord Nrisimhadeva appearing and Prahlad Maharaj is all described in the seventh canto of the Srimad Bhagavatam. तो प्रहलाद महाराज नरसिंहदेव का प्राकट्य, रणकश्यप उनके बीच के वार्तालाप श्रीमद् भागवतम के सातवें स्कंद में घोषित किया गया. श्रील प्रभुपाद was very enthusiastic to present the Srimad Bhagavatam to the whole world. Shri Prabhupada ji bahut utsahit the pure vishw ko ye Srimad Bhagavatam dene ke liye. The Srimad Bhagavatam is the fruit of all the Vedic literature. Srimad Bhagavatam sabhi Vedic granthon ka paripakva phal hai. So we are trying to distribute these books and we translate them to all the languages of the world and we distribute them everywhere. Maharaj keh rahe ki hum sabhi Prabhupada ji ki sansthan mein hum log isko bahut zyada se zyada is granthon ko prakashit karke aur alag alag bhashaon mein pure vishw mein. Maharaj bata rahe the ki wahan par China mein aur Thailand mein, wahan par bhi alag alag unki bhashaon mein isko vitrit kiya ja raha hai, jo ki wahan par ek illegal kaam hai, fir bhi kiya ja raha hai. And it was just only last year, I think, they produced the Bhagavad Gita in Arabic. और महाराज कह रहे हैं कि बस पिछले वर्ष ही भगवत गीता को अरबिक में भी, यहाँ की लैंग्वेज में भी उसको प्रिंट किया गया है. So like that, the seventh canto begins with a description about how the Lord is. He's not partial to anyone. He sees everyone equally. तो सातवें स्कंद में श्रीमद् भागवतम में आरंभ होता है बहुत अच्छे प्रश्न उत्तर के साथ में परिचित महाराज के प्रश्न के द्वारा कि किस प्रकार से भगवान, क्या ये पक्षपात करते हैं, क्या असुरों का साथ नहीं देते, असुरों का विनाश करते हैं, असुर का साथ देते हैं, इस प्रकार की जिज्ञासा से ये पूरा स्कंद का आरंभ होता है. So Prahlad was always trying to teach to his father. He wanted his father to see everyone equally, not to think friend, enemy, but to see everyone equally. और प्रहलाद महाराज सदैव अपने पिताजी को भी यही शिक्षा देते थे कि पिताजी आप ये भेदभाव क्यों करते हैं, सबको एक भाव से देखिए, असुर भक्त सब एक भाव से, सबके अंदर भगवान का वास है. But Hiranyakashipu is an asura. He's the king of the asuras, and he thought my son is. He needs to get education. I will send him to Gurukula. So Hiranyakashipu, who is a great asura, he was not able to catch him. He said, "How is my son talking like this?" He understood that he needs education. He is talking in ignorance, and he wants. जो असुरों का विद्यालय था उसमें भेजा शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रहलाद महाराज को. So Sukracharya is the guru of the asuras, and Sukracharya had these two sons,
Sanda and Namarka, and they became the teachers in the Gurukula. तो शुक्राचार्य जो है वो असुरों के गुरु हैं. शुक्राचार्य के ही पुत्र संदा और अमरका, इन्हीं को ये जो असुरों के बालकों के लिए विद्यालय था उसके शिक्षक थे ये. And they were trying to teach the boys, including Prahlad, they were trying to teach him how to deal with the enemies. If you have enemies, how to deal with them. और संदा अमरका सभी बालकों को प्रहलाद महाराज के साथ में शिक्षा दे रहे थे कि कैसे अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करनी है इसके बारे में. First of all, you can try to give them instruction, to give them advice that you better do what I say or else. तो सबसे पहले उनको सलाह देना कि जो मैं कह रहा हूं वही आप करिए, यही आपके लिए उचित है, साम दंड ऐसे करके. And if that doesn't work, then you can try bribing them, offering them some wealth or some position and tell them, now you cooperate with me. तो ये जो विधि बताई गई है, साम दान, उसके बाद उनको कुछ उपहार देना, उनको घूस देना कि देखो आप ये करोगे तो मैं आपको ये दूंगा, जैसे लोग करते हैं. ये सब शिक्षा उनको दी जाती है ऐसे करने के लिए. And if that doesn't work, then you may have to take the stick and beat them, punish them or put them in jail or even kill them. और वो भी नहीं सुनते हैं और आप मेरी बात आप नहीं मान रहे हो तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, तब दंड, साम दान, दंड, दंड देंगे, दंड के द्वारा, लेकिन अपनी बात को मनवा के रहेंगे. So this is described, of course, in Bhagavad Gita, Lord Krishna describes daivi sampat, asuri sampat, the quality of the devotee and the quality of the demon. तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण इसको बताते हैं बहुत सुंदर रूप से 16वें अध्याय में कि दैवीय गुण और आसुरी संपत्ति और दैवी संपत्ति क्या होती है. So Prahlad was not much interested to hear all of this stuff from his teachers. It didn't have any interest to him. और प्रहलाद महाराज को बचपन से ही ऐसी शिक्षाओं में कोई रुचि नहीं थी. Prahlad didn't think of anyone as his enemy. He saw everyone part of God. प्रहलाद महाराज ने किसी को अपने शत्रु के रूप में देखा ही नहीं. वो सबके अंदर सबको भगवान का अंश मान करके सबको एक भाव से देख रहे थे. Anyway, the other boys in the school, they were also young children and they had a pure heart, although they were born in demonic families. और बाकी जो बालक थे, महाराज ने कल भी बताया था कि बालक लोग का हृदय जो है वो कोमल होता है. हालांकि वो आसुरिक परिवार में उत्पन्न हुए थे, लेकिन फिर भी चूंकि बालक थे सबके हृदय कोमल थे. So they wanted to know from Prahlad why he wouldn't play with them, because all the other boys were playing, but Prahlad didn't like to play with them. तो सब लोग जब अवकाश हुआ करता था, अवकाश में, इंटरवल में सब लोग खेलते हैं सारे बच्चे लोग, लेकिन प्रहलाद महाराज उनके साथ नहीं खेला करते थे. तो वो आके पूछते थे, प्रहलाद आप हमारे साथ में क्यों नहीं खेल रहे हो आप. So Prahlad gathered them together and he got them all to sit down. And he started to tell them why he wasn't playing with them. और महाराज ने कल भी बताया था ये कथा को कि प्रहलाद महाराज ने सबको बुलाया अपने मित्रों को और बिठाया उनको और बिठा करके कहा कि अब मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्यों नहीं आपके साथ में खेल रहा हूँ. So Srimad Bhagavatam describes Prahlad's teachings. He says, "Komar acharit prajno dharmam bhagavatamya." From the beginning of life, from the Kumar age, which means the first 5 years of life, the beginning of childhood, you should learn Bhagavad Dharma. तो प्रहलाद महाराज उनको श्रीमद् भागवतम में जो बताई गई शिक्षा प्रहलाद महाराज के उपदेश के द्वारा, ये दिव्य उपदेश प्रहलाद महाराज के, वो कहते हैं कि देखो मित्रों, ये हमारे कौमार की अवस्था जो है अभी बालपन, यहीं से हमको सीखना चाहिए भगवत धर्म के बारे में. And then Prahlad says, "Durlabham manusam janma tad api adruvam artadam." He said, "It's very rare to get the human life. You must take advantage of the human life." उन्होंने कहा कि देखो, ये मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है, इसलिए इसको केवल खेलकूद में नहीं गंवाना है. इसमें जो अर्थ, जो सबसे मूल्यवान वस्तु है, वो इसी
मनुष्य योनि में प्राप्त कर सकते हैं उसको प्राप्त करने का प्रयास करना। The Vedas tell us that 84 lakh species of life and only 4 lakh are human. So we're very fortunate to have the human body. शास्त्र बताते हैं कि 84 लाख योनियां हैं और उसमें से 4 लाख योनियां मनुष्य की हैं। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं अपने मित्रों को, देखो हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमको ये बहुत दुर्लभ मनुष्य जीवन मिला है। We're fortunate, but we have to take advantage of the human body. The human life is not meant for only eating and sleeping and mating and defending. कि देखो ये बहुत सौभाग्य से हम सबको मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है और हमें समझना है कि ये मनुष्य जीवन केवल आहार, निद्रा, भय, मैथुन इसके लिए नहीं मिला है। The animals are doing these things, and if we only do these things, then we're just two-legged animals. तो अगर हम लोग भी ऐसे ही केवल आहार, निद्रा, भय, मैथुन में जीवन व्यतीत कर देंगे, ये तो पशुओं का कार्य है, तो हम लोग द्विपद पशु कहलाएं। But we're given so many more facilities, better than any animal. लेकिन मनुष्य योनि में हमको और अच्छी सुविधाएं, हमारी विकसित चेतना हमको दी गई है। We've got transport, we've got telecommunication, we've got hospitals, we've got schools, we've got so many facilities for the human being. They're not there for the dogs and the hogs. तो हम लोग के पास देखिए यातायात के लिए कितनी सुविधाएं हैं, अस्पताल है हमारे पास में, विद्यालय है शिक्षा के लिए, ये सब केवल मनुष्यों के लिए है, ये पशुओं के लिए नहीं है। Just like in the government office, the government officer who's in charge, he gets more facility. He may get nice house, he may get car, he may get servants, but he has to also be responsible. That everything is done very well. जैसे कोई सरकारी कर्मचारी हो या सरकारी कोई अफसर हो, तो देखिए उनको बहुत सुविधा देती है सरकार, उनको गाड़ी, बंगला सब कुछ मिलता है, लेकिन इसका अर्थ क्या है कि उनके पर जिम्मेदारी भी ज्यादा है सरकार की ओर से। They have to take good care. They have no corruption. There has to be efficiency. The workers all have to do their jobs nicely. Everything should be done under the direction of the man in charge, and he's getting many benefits because he's in charge. तो चूंकि वो सरकार की ओर से बहुत सबका देखभाल करते हैं, ये निश्चित करते हैं, सुनिश्चित करते हैं कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हो राज्य में और सब कुछ ठीक से चल रहे सुचारू रूप से सबकी प्रजा की सबकी देखभाल के लिए, इसीलिए सरकार उनके ऊपर इतने धन खर्चा करती है, उनका ध्यान रखती है। So also we as the human beings, we enjoy a lot of benefits more than any other species, more than the animals or the plants. We are given so many nice facilities, but we have also a duty to do. उसी प्रकार हम लोग को भी 84 लाख योनियों में से सबसे ज्यादा सुविधा मनुष्यों को दी गई है। जैसे महाराज ने उदाहरण बताया कि जैसे सरकार में सरकारी कर्मचारियों को सुविधा दी जाती है, उनका उद्देश्य क्या है कि सबका ध्यान अच्छे से रखें, उनका कर्तव्य है। उसी प्रकार चूंकि हम लोग को बहुत सुविधाएं दी गई हैं, उसके साथ साथ में हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। We have to understand we have a duty which is not just only to make money to support the family. तो हम सबको समझना है कि मनुष्य होने के नाते हम सबके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है, कर्तव्य है हमारा, केवल धन कमाना और भोग करना यही हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। Of course, that is part of the duty, but that is not the only duty which we have. तो वो भी हमारे जीवन का एक अंश है, लेकिन वही हमारी पूर्ण कर्तव्य नहीं है हमारा वो। We have a duty to help ourselves and our family members to help them also understand the real purpose of life. तो हमारा एक कर्तव्य है, प्रमुख कर्तव्य की स्वयं और अपने परिवार के लोगों को जिनको हम जानते हैं, जो हमारे ऊपर निर्भर हैं, उनको भी हम जीवन के परम उद्देश्य के बारे में, परम हित के बारे में बताएं। If you read Vedanta Sutra begins Atato Brahma Jignasa, that now you're in the human form of life,
you should understand what is Brahman and what is matter, what is material and what is spiritual. Maharaj बता रहे हैं कि ब्रह्म वेदांत सूत्र में सबसे पहले ही बताया गया है कि मनुष्य जीवन, अब कम से कम जब आपको मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है तो आपको ये जिज्ञासा करनी चाहिए ब्रह्म के बारे में कि क्या चीज चित है और क्या जड़ और चेतन में क्या भेद है. The Prahlad Maharaj is saying, Komar Acharit Pragno, that when you're a young boy, you have to begin to learn these things. तो प्रहलाद महाराज बता रहे हैं, सोचिए आप कितने सुंदर, आप सोचिए, कल्पना करिए, सब छोटे बालक बैठे हुए हैं और एक बालक ये उपदेश दे रहे हैं कि देखो हमको अभी से धर्म के ऊपर चलना है. We have to know what is right and what is wrong. What is the proper activity and what is the wrong activity. कि क्या उचित कार्य है और क्या अनुचित कार्य है, ये हमको सीखना होगा अभी से. And Bhagavad Gita, Lord Krishna said, Pravrittim cha nivrittim cha janana vidur asura. Those who are asuras, they don't know what should be done and what should not be done. They don't have the proper knowledge. तो श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि जो असुर है उनको ये ज्ञान नहीं है कि क्या करणीय है और क्या अकरणीय है, क्या कार्य करने चाहिए क्या नहीं करने चाहिए, उनके बारे में उनको ज्ञान नहीं. So we see Aranyakashipu, he was austere, the father of Prahlad. He was a big demon, but he was very austere. And he was worshipping Lord Brahma. So we see in Srimad Bhagavatam that this is the way Hiranyakashipu, although he is an asura, but he is very tapasya, very tapasya. He is very tapasya. Brahma ji ko prasanna karne ke liye badi kathin tapasya karte. But what was his motive? His motive was simply for his to maintain his body, that I should live forever. लेकिन उस तपस्या का उद्देश्य क्या है, ये भी हमें जानना होगा. उद्देश्य ये था कि कैसे मुझे कोई नहीं मारे और मैं बहुत लंबे समय तक इस देह में भोग करता रहूं. So in material world, people are all thinking like that. Of course, we want to live forever. And we want to enjoy the world. और महाराज बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि देखिए हम सब की यही चेतना है भौतिक जगत में. हम सब हिरण्यकश्यपु जैसे सोच रहे हैं कि बहुत लंबे समय तक रहें और आनंद का भोग करते रहें. So because he had so many material desires, he was never happy. He was never satisfied. श्रीमद् भागवत में बताया गया श्लोक में कि हालांकि वो एक राट थे, पूरे ब्रह्मांड के इस समय सबसे विजयी एक राजा थे वो, लेकिन बिल्कुल संतुष्ट नहीं थे क्योंकि इंद्रियों पर कोई नियंत्रण नहीं था. And he tried to even kill his own son, Prahlad, because Prahlad was trying to educate his father. और इस हद तक वो मच्छूर थे अपने आनंद के भोग में कि अपने स्वयं के पुत्र का वध करना चाहते हैं क्योंकि उनका पुत्र उनके उस भोग में बाधा बन रहा है. And finally, Lord Nrisingadev appeared. And Lord Nrisingadev dealt with this Hiranyakashipu and killed him. और अंत में हम सब जानते हैं किस प्रकार से हिरण्यकश्यपु को वध करने के लिए भगवान नरसिंहदेव प्रकट होते हैं प्रहलाद महाराज की रक्षा के लिए और हिरण्यकश्यपु का वध करते हैं. So Prahlad Maharaj, he's explaining to these boys who've been in the school with him that the goal of life is not just making money. तो इस प्रकार से प्रहलाद महाराज अपने मित्रों को शिक्षा दे रहे हैं कि देखो जीवन का उद्देश्य केवल धन कमाना नहीं है. Just like you may have money, but at the time of death, will that save you from death just because you have some money? महाराज कह रहे जैसे हमारे पास धन है, हम धन कमा ले, बहुत धन हो जाए, लेकिन मृत्यु से क्या हमें धन बचा पाएगा? नहीं बचा पाएगा. As everybody who's got money, are they happy? Are they peaceful? Are they satisfied? क्या जिनके पास बहुत धन है क्या वो सुखी हैं तथाकथित, क्या वो शांत हैं, क्या वो संतुष्ट हैं? They're the most angry, impatient, nasty people. देखा गया कि ऐसे ही लोग सबसे ज्यादा अधैर्यशाली होते हैं, सबसे ज्यादा वो खुरापात करते हैं और सबसे ज्यादा वो असंतुष्ट दिखते हैं.
They're the most attached to the material body. They're very proud. क्योंकि वो इतने अभिमानी हैं, गर्वित हैं और अपने इस अध्यात्म बुद्धि से बड़े आसक्त हैं। So Prahlad Maharaj is explaining to the friends, to these boys who are all his age, who have all been studying in the Gurukula, who have been learning about how to deal with the enemy. तो आप सोचिए इस बात को बार बार स्मरण करते रहिए कि प्रहलाद महाराज अपने सभी मित्रों को बिठा करके ये शिक्षा दे रहे हैं गुरुकुल में, जो सीखने के लिए आए थे कैसे अपने मित्रों अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना चाहिए, लेकिन यहाँ प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि देखो हमारे जीवन का उद्देश्य ये नहीं है। And Prahlad is teaching them something very different from what his teachers have been telling them. तो प्रहलाद महाराज की शिक्षा बिल्कुल भिन्न है जो वो अभी तक वो संदा और अमरका से सीख रहे थे, उससे बिल्कुल विरोध में शिक्षा दे रहे हैं। His teachers were telling them, you should do karma kanda, you should follow the path of karma, do religion to get wealth, and when you get wealth, then you enjoy. तो जो उनको विद्यालय में शिक्षा मिल रही थी संध्या मर्गा के द्वारा, उसको कर्म कांड बताया जा रहा है कि किस प्रकार से आप पहले कुछ पूजा पाठ करके धन कमाओ, धार्मिक कार्य करो, पूजा पाठ करो, अर्थ कमाओ, धर्म अर्थ, और फिर काम कैसे भोग किया जाए इसके बारे में सोचो, और कुछ काम के में कोई शत्रु आया तो उनका वध करो, लेकिन तुम काम का भोग करो, इस प्रकार की शिक्षा उनको दी जा रही है। But Prahlad Maharaj is telling them, everybody wants to be happy, but is everybody happy? No, a lot of people are suffering, they're in distress, they don't want to be in distress, but they're forced. प्रहलाद महाराज को बता रहे हैं कि देखो जगत में सब लोग सुखी होना चाहते हैं, लेकिन बलपूर्वक आप देखा जाए तो वो सब लोग सुख चाहते हैं लेकिन सुखी है नहीं। It's the nature of the material world. There will be some happiness, there will also be distress. क्योंकि ये भौतिक जगत का स्वभाव है, यहां पर सुख और दुख ये एक दूसरे के पीछे पूरक चलते रहेंगे। Just like we have a coin, you know, there's on one side, there's another side, there's a front, there's a back, there's a head, there's a tail on every coin. So the same way, there's happiness, and wherever happiness comes, distress will also come. तो जैसे एक सिक्का होता है, सिक्का के दो पहलू हैं, हेड और टेल जो होता है सिक्के का, उसी प्रकार से जब भी सुख है, सुख के साथ में दुख छुपा हुआ है, और ये आगे पीछे चलते रहते हैं, सुख दुख चलता रहता है। We are trying to avoid the distress. We want to have eternal happiness, but you cannot have that in this world. तो हम सब दुख को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं और शाश्वत सुख को पाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस भौतिक जगत में यह संभव नहीं है। This world is mrityuloka. This is the place of death. How can you be happy knowing you're going to die? क्योंकि इस स्थान को मृत्युलोक कहा जाता है, जहां पर लोग देखिए प्रातः लोग मरते जा रहे हैं, तो मरने वाले स्थान पर आप कैसे सुखी रह सकते हैं? But how can a devotee be happy then? Because a devotee knows the soul never dies. Only the body. You give up one body, take another body. But the soul never dies. लेकिन भक्त फिर कैसे सुखी होते हैं इसी वातावरण में? क्योंकि भक्त जानते हैं कि वो शरीर नहीं आत्मा है, और शरीर का मृत्यु होगा, आत्मा कभी नहीं मरता, अविनाशी है आत्मा। Krishna says, Lord Krishna says in Bhagavad Gita, Na jayate mriyate va kadachan. Nayam budva bhavitava nabuya ajo nityam shasvatoyam parano nahanyate hanyamane sharire. For the soul, there is no birth and there is no death. तो भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस आत्मा का न तो जन्म है न तो मृत्यु है, और शरीर के जाने के पश्चात भी आत्मा की मृत्यु नहीं।
The body can be killed, but the soul can never be killed. तो शरीर को मारा जा सकता है, वो विनाशी है, लेकिन आत्मा अविनाशी है. And the nature of the soul is Satchit Anand, eternal, full of bliss and knowledge. और आत्मा का स्वभाव कैसे है? इसका लक्षण क्या है? सत्चित आनंद. So you want to be happy? Just change the consciousness. Instead of being conscious of the body, be conscious of the soul. तो अगर आपको प्रसन्न रहना है तो क्या करना पड़ेगा? केवल अपनी चेतना को परिवर्तित करना है, अपनी भावना को. जो अभी हम लोग अपने आप को देह मान करके देहात्म बुद्धि पर कार्य कर रहे हैं, अपने आप को पहचानना पड़ेगा आत्म साक्षात्कार कि मैं आत्मा हूं और आत्मा अपने आप में आनंदित है. The material body of all living entities is subject to death. They have to give up the body. क्योंकि जिसका भी जन्म हुआ है यहां पर, शरीर का जन्म हुआ है किसी भी योनि में, इसका मतलब उनकी मृत्यु निश्चित है. Lord Krishna says in the Bhagavad Gita, Abrahma Bhuvana Loka Punar Avartano. From the highest planet, Satyaloka, the planet of Brahma, at the top of the universe, all the way down to Patala Loka, in the bottom of the universe, all the different planets are places of death. तो भगवान कहते हैं कि ब्रह्मलोक से लेकर के और पाताल लोक तक जितने भी जीव हैं, इन सब की पुनरावृत्ति है, अर्थात सबको जन्म मृत्यु के चक्कर में जाना पड़ता है. So the real problem of life is not just making money, but it's getting out of the wheel of birth and death. जीवन का प्रमुख उद्देश्य केवल धन कमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि कैसे इस जन्म मृत्यु के चक्कर से निकला जाए, ये वास्तविक समस्या का समाधान होना चाहिए. We have to understand the temporary nature of this material world. और बहुत गंभीरता से इस भौतिक जगत के अनित्य स्वरूप को समझने का प्रयास करना चाहिए. There is some happiness here in this world, but it's very short, it's very temporary. तो कुछ सुख दिखता है यहाँ पर इस जगत में, लेकिन वो बहुत अल्प और बहुत क्षणिक है. Sometimes we sing the one Vaishnava song. I don't know, maybe you know. Bhoja Hari Mana Shri Nandanandana Abhay Charanaravindare Durlabha Manava Janama Samsara Abhay Charanaravindare. And then the second verse says Sita Atapa Vatavareshana Edina Jamini Jagire Bipale Sevinu Kripana Durujana Chapala Sukalava Lagare. This is the nature of our life. We tolerate the heat and the cold and the rain. We work for wicked and miserly people to get Chapala Sukalava. तो महाराज बहुत अच्छे से बता रहे हैं कि वैष्णव गीत में बताया गया पूरे हमारे जीवन के चक्र को, कि मनुष्य जीवन इतना दुर्लभ है जो अभय से बिल्कुल परिपूर्ण होना चाहिए, लेकिन हम लोग इस जगत में आकर के और दिन रात काम कर रहे हैं, सुख दुख शीत आत सब कुछ इसको सह रहे हैं, जाड़ा गर्मी बरसात रात दिन काम करके धन कमाने में लगे हुए हैं. और किसके लिए काम कर रहे हैं? ऐसे लोग जो दुर्जन लोग हैं, जिनको हमसे कोई प्रेम नहीं है, बस हमारा हमको निचोड़ रहे हैं, उनके लिए हम काम कर रहे हैं. और किसके लिए हम इतना कर रहे हैं सब कुछ? चपल सुख, थोड़े से चपल, चपल मतलब बहुत क्षणिक, उस सुख की प्राप्ति के लिए कि धन आएगा तो मैं सुख भोगूंगा, इसी के लिए पूरा जीवन गधे की तरह काम कर रहे हैं. So that song was written 500 years ago. A great devotee, Vaishnava poet, Lochan Das, he wrote that song. And 500 years ago it was like that. And how much more it is like that today, the same situation. तो ये वैष्णव गीत जो सोची आपसे लगभग इतने 500 वर्ष पूर्व गोविंद दास जी ने लिखा था इसको, और गोविंद दास जी उस समय भी देख पाए कि आने वाला समय जो है लोग ऐसे ही बीत कर पाएंगे, वो इतने दूरदर्शी थे कि आज के हमारे परिप्रेक्ष्य को आज से 500 वर्ष पूर्व उन्होंने लिख दिया था. Our nature, of course, we want to be happy, we want to enjoy,
That is not wrong. That is the nature of the soul. तो हमारे हृदय में या हम सबके जीवन में हमको सुख भोगने की इच्छा होती है. महाराज कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि वो आत्मा का स्वभाव है सुखी रहना, आनंद में रहना. We are trying to find the happiness in the body. The happiness is not in the body. The happiness is in the soul. लेकिन त्रुटि हम कहां पर करते हैं कि हम लोग इस शरीर से सुख भोगना चाहते हैं, शरीर में सुख ढूंढ रहे हैं, शरीर के माध्यम से. वो शरीर में आनंद नहीं है, आनंद जो है वो आत्मा के अंदर है. So Prahlad Maharaj is telling his friends, this was long ago, this was in the Satya Yuga, a long time ago. Prahlad Maharaj telling all his friends that we're trying to make ourselves comfortable here in this world. और ये बहुत प्राचीन बात है. सोचिए आप, प्रहलाद महाराज सतयुग की बात है. ये सतयुग में प्रहलाद महाराज अपने मित्रों को बोल रहे हैं कि हम लोग इस भौतिक जगत में आनंद ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं. We're working hard. We put in air conditioning. We make nice buildings. We build highways just to make our life more comfortable. कि हम लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं, इमारत बना रहे हैं, बड़े बड़े रोड, अच्छे अच्छे रोड बना रहे हैं, एयर कंडीशन, वातानुकूलित यंत्र लगा रहे हैं कि हमारा जीवन आरामदायक हो, ऐसा हम सब प्रयास कर रहे हैं. But how long can we stay here in this world? Our time is limited in the material body. लेकिन ये सब करके भी हम सोचिए कितने समय तक कर पाएंगे, भोग कर पाएंगे, क्योंकि हमारा जीवन बहुत क्षणिक है, सीमित है. Satya Yuga, people lived 1 lakh years. They had a long life. They could live for 1 lakh. तो सतयुग में लोगों का जीवन बहुत लंबा हुआ करता था, 1 लाख वर्ष की आयु हुआ करती थी सामान्य जन की. त्रेता युग became 10,000, द्वापर युग 1,000, कलि युग 100. त्रेता युग में फिर वो 1,00,000 से 10,000 वर्ष आयु हो गई, आयु कम हो गई. द्वापर में 1,000 वर्ष और कलयुग में 100 वर्ष भी ज्यादा है. कलि युग व्यासदेव predicted 5,000 years ago, this age people will have a short life, and it's reducing all the time. 100 years, how many people live to be 100? Very few. Most people who are 70, you're very old. You're 50, oh yeah, life is finished. तो ये 5,000 वर्ष पूर्व व्यास जी ने लिख दिया था श्रीमद् भागवत में, लिखा उन्होंने कि कैसे कलयुग में ये आयु, स्मृति, बल, ये सब क्षण क्षण कम होता जाएगा, धीमे धीमे कम होता जाएगा. और हम देख सकते हैं कि कलयुग की शुरुआत हुई थी तो 100 वर्ष आयु हुआ करती थी. आजकल तो 100 वर्ष कोई है तो लोग बोलते हैं कि अभी भी जी रहे हैं, मतलब 100 वर्ष बहुत ज्यादा है. और 70-80 में ही लोग बोलते हैं कि आप बहुत वृद्ध हो गए हैं. महाराज बता रहे हैं कि 50 वर्ष आपका हो गया, बोलते हैं अब तो आप बूढ़े हो गए. People are dying, 30, 40, cancer, this kind of disease. Half the planet, they say half of the planet going to die with cancer. और हम सब देख सकते हैं कि कितनी आपदाएं आ रही हैं, इतने रोग हो चुके हैं आज के समय में कि लोग 30-40 वर्ष में मर जा रहे हैं, लोग मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं कैंसर से या और बीमारियों से. महाराज बोल रहे हैं कि एक सर्वे में बताया गया कि अभी जितने लोग उपस्थित हैं पूरी जनसंख्या का आधी जनसंख्या वो कैंसर से मरने वाली है. In Srila Prabhupada's time, there was no cancer. Srila Prabhupada, he wrote about TB. He said, oh, TB is very common. A lot of people were dying from TB. There was no cancer then. Now, so hundreds of millions of people get suffering cancer. प्रभुपाद जी जब तात्पर्य लिख रहे हैं, आप देखिए प्रभुपाद जी के समय में कैंसर का कोई जिक्र नहीं है कहीं पर. वो टीबी के बारे में लिखते हैं, जो टीबी बीमारी हुआ करती थी, ट्यूबरक्लोसिस. तो उस समय वो बीमारी बड़ी बीमारी थी. लेकिन आज पर हमारे बता रहे महाराज की आज तो आप देखिए लाखों लाखों लोग कैंसर से ही मर जा रहे हैं. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, लाइफ इज वेरी शॉर्ट. पदम पदम तक विपदम नतेषम. There is danger in every step in this material world. और ये बहुत गंभीरता से हम सबको सीखना है. कल भी महाराज ने इस बात पर बहुत जोर दिया था कि हमारी आयु बहुत क्षणिक है और
हर एक पद पर विपदा है, कभी भी जा सकते हैं यहां से, इस बात को बहुत गंभीरता से समझना है। And Srila Vyasadeva described the qualities of people in the Kali Yuga. Prayena payusa shabdya kalova smindyadigichana manda sumanda matayo manda bhagya hi upadrutaha. In the Kali Yuga, not only do we have a short life, we're lazy, we're misguided, we're unlucky, and we're always disturbed. तो श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में ही बताया गया इसको पूरे अध्याय में, और इसको बता रहे हैं यहाँ पर कि किस प्रकार से जो कलयुग की जो जनसंख्या होगी उनकी आयु बहुत कम होगी, उनकी बुद्धि बहुत मंद होगी, उनका भाग्य बड़ा मंद होगा, और कलयुग के लक्षण क्या है कि वो सदैव आपस में लड़ते रहेंगे, कलह का युग है ये। Kali Yuga people lazy, and some to get up for Mangal Arati, oh very early, oh so early in the morning. Kali Yuga में देखिए किस प्रकार के चेतन हम सबके, कोई बोलेगा कि मंगल आरती में आइए, बोलेगा अरे इतनी सुबह कैसे हम आएंगे मंगल आरती में, इतने सुबह उठना तो मुझसे नहीं हो पाएगा। People like to sleep. How much they sleep? They can sleep hours every day. लोगों को सोना बहुत प्रिय है, और महाराज ने कल बताया था हम लोगों कल की कथा में कि हमारा आधा जीवन खाली सोने में ही चला जाता है। प्रहलाद महाराज told his friends, he said, even if you live 100 years, half of the life is spent sleeping. प्रहलाद महाराज जी बताते हैं श्रीमद् भागवत में श्लोक है कि अगर आप 100 साल जी भी रहे हो कलयुग में मान लो, पर आप आपका कोई रोग नहीं है और बड़े आप पुष्ट हैं, तो 100 वर्ष में कम से कम 50 वर्ष तो हमारे खाली सोने में चले जाते हैं। Chaitanya Mahaprabhu went to Gaya and he got initiation from Ishwara Puri. And after he got initiation, he thought, why should I sleep anymore? No need to sleep at night. We will just have kirtan all night. Chaitanya Mahaprabhu, jab Ishwara Puri ko mile, apne adhatmik guru Ishwara Puri ko, Gaya dham mein gaye the, apne pitaji ka shraddh karne ke liye. तो वहां पर जब उनको दीक्षा हो गई, उनको जब उनको मंत्र मिल गया और जब आए वापस, तो उन्होंने सोचा कि अब मैं रात में नहीं सोऊंगा, मैं बहुत सो चुका और रात में क्यों सोऊं, मैं क्यों समय को व्यर्थ कर गवाऊं मैं, और दिन रात कीर्तन करते थे। Every night Lord Chaitanya would go to Srivast Thakur's house and they would have the kirtan the whole night and all the devotees would come and they would chant the whole night. And then the sun come up in the morning, they go home and go back and do their duties. तो शिवास आंगन में हर रात्रि को वो अपना नृत्य करते थे, कीर्तन करते थे, और सुबह लोग अपने अपने कार्य पर जाया करते थे। तो रात दिन कहते कि रात में हम लोग सोने में क्यों व्रत में गवाएं, अभी भी कीर्तन करेंगे। Nobody was going to factory, nobody was working in office. But they were all living, they were all eating, they were offering nice bhoga to Krishna every day. तो कोई भी ऑफिस नहीं जा रहा था, कोई ऐसा कार्य नहीं कर रहा जैसे हम लोग करते हैं किसी के लिए, लेकिन सब लोग बड़े प्रसन्न थे और बड़े अच्छे से भोग बना करके भगवान को अर्पित कर रहे थे और प्रसन्न थे। Krishna provides for everyone. भगवान श्री कृष्ण सबके लिए व्यवस्था करते हैं। Krishna said, Krishna is providing even for the asuras. Why he won't provide for the devotees? भगवान श्री कृष्ण सबके लिए, यहाँ तक कि असुर के लिए भी सब कुछ उपलब्ध करते हैं, तो भक्त को लिए क्यों नहीं करेंगे? So devotees anxious to try to reduce the time we spend doing things like sleeping because you waste a lot of time. तो भक्त लोग इसीलिए अपने जीवन में अव्यर्थ कालम, अपने व्यर्थ के समय को गवाने से बचते हैं, वो अपनी नींद को भी कम करते हैं जिससे कि क्यों व्यर्थ में समय गवाएं। Prahlad was telling his friends like this, that why we should sleep so much. And he said, the same, play with balls, play games. We waste so much energy and so much time doing these things which have no benefit for us. तो प्रहलाद महाराज बता रहे हैं अपने मित्रों को, देखो केवल खेल कूद में अपने समय को बर्बाद मत करो, क्यों हम लोग क्रिकेट खेलें, फुटबॉल खेलें, ये समय की बर्बादी है। ये मनुष्य जीवन बहुत बहुत दुर्लभ है,
इसलिए समय को ऐसे बर्बाद नहीं करना। You want some exercise? Come and chant and dance in the kirtan. You get a lot of exercise. अरे वो तो आपको कुछ अगर योग करना है, कुछ अभ्यास करना है तो आओ साथ में कीर्तन करेंगे, नृत्य करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, उसी में हमारा अभ्यास हो जाएगा और कुछ खेलने की आवश्यकता नहीं, ऐसे बोल रहे हैं। Offer obeisances that keep you also healthy, getting up and bowing down. और बार बार भगवान को प्रणाम करिए, भक्तों को प्रणाम करिए, बार बार आप प्रणाम करेंगे, उठेंगे बैठेंगे तो आपका अच्छा योग हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। If you go to holy dam all the time, you're bowing, getting up, bowing down, every holy place, every person, all the time. तो जब भी आप धाम में जाते हैं तो वहां पर हर मंदिर में जाके प्रणाम करना, पूरा दंडवत प्रणाम करके फिर उठना, कोई भक्त मिलेंगे उनको प्रणाम करना, इससे हमारी बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। The Goswamis, every day they were doing these things. Every day Sanatan was going around the Govardhan Hill, 23-24 kilometers every day. Even in old age, he would do parikrama of Govardhan every day. तो हमारे गोस्वामी गण वृंदावन में से क्या करते थे, और सनातन पाद गोस्वामी वृद्धावस्था तक होते होते प्रतिदिन का उनका नियम था पूरे गोवर्धन की परिक्रमा करना, इतना वो चलते थे 23 किलोमीटर के आसपास रोज चलते थे। तो प्रहलाद महाराज told his friends, he said, I don't like to play games because I just think it's waste of time. The goal of life is not just to play games, but the goal of life is to understand the self. हमारे जीवन का उद्देश्य इस प्रकार से समय बर्बाद नहीं करना है खेलने कूदने में। हमारे जीवन का उद्देश्य धर्म पर चल के भगवान को समझना, मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य है कि परम पुरुषोत्तम भगवान कौन है, उनकी सेवा कैसे की जाए, इस तत्व को समझा जाए। प्रहलाद महाराज told his friends about the danger of material life. How we become very attached to material things. और अब वो भौतिक जीवन में आसक्ति के जो भयंकर स्थिति है उसको प्रकट कर रहे हैं कि देखो हम लोग कैसे इस जगत में कितने आसक्त हो जाते हैं। आपको एक अच्छा गाड़ी मिला तो आप उससे आसक्त हो जाते हैं। Prabhupada used to say that if somebody hits a car, the driver will get out and say, you hit me, you hit me. No, no, I only hit the car. But we're thinking, I am the car. Prabhupada ji dhyan diya karte the, agar kisi gaadi ko kisi ne maar diya, to bolte ki aapne mujhe mara, aapne mujhe kyun aise mara? To kehte ki nahi, maine aapko nahi mara, aapki gaadi ko thokar lag gaya, aapko kahan mara? Prabhupada ji kehte ki yehi sthiti hai, ki hum log itne aasakt hain apne car se, apne aap ko car hi samajhte hain. We're attached to our property, to our bank balance. We're attached to all the family. हम लोग अपने धन से, अपने संचित धन से, अपने जो संपत्ति है, इससे हम लोग बहुत आसक्त हैं, परिवार से बहुत आसक्त हैं. Can we save them from birth and death? That is the question. तो इतना आसक्त होने के बाद भी प्रश्न अगर पूछा जाए हमसे कि क्या अपने परिवार के सदस्य को आप जन्म मृत्यु के चक्कर से बचा सकते हो? श्रीमद् भागवतम said, don't become a mother, don't become a parent, don't become a husband or a wife unless you can deliver your dependents from birth and death. तो श्रीमद् भागवतम के पांचवें स्कंद के पांचवें अध्याय के 18वें श्लोक में बताया गया कि हमको तब तक माता पिता और गुरु देव नहीं बनना चाहिए जब तक हम अपने ऊपर आश्रित लोगों को जन्म मृत्यु के चक्कर से न निकाल सके। Now we have the nice human body, but if we don't use it properly, you don't know what kind of body you get in the next life. तो अभी हमको सौभाग्य से मनुष्य जीवन मिला है और इसका उपयोग अगर हम सही ढंग से नहीं करेंगे इस तत्व को समझने के लिए तो फिर अगला कौन सा जीवन हमें क्या मिलेगा किस योनि में किसी को ज्ञात नहीं। We have the example, even Bharat Maharaj, he was a great king, he renounced everything, went to Himalayas, but he got attached to a deer, the next life he became a deer. जैसे हम सब
जैसे हम सबको कथा हम सुनते हैं श्रीमद्भागवतम में पांचवें स्कंद में, किस प्रकार से भरत महाराज जो एक बड़े ही बहुत अच्छे भक्त महान भक्त हैं, सब कुछ त्याग दिया, राजपाट त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया, उनके पास घोड़े हाथी थे, सब त्याग दिया और हिमालय पर गए तपस्या करने के लिए, और वहां पर एक हिरण से उनको आसक्ति हो गई। We may not become attached to a deer, one of other attachments. हम लोग एक हिरण से पास तो उससे ज्यादा बहुत ज्यादा आसक्ति हम लोग के पास में मोबाइल फोन से हम आसक्त हो जाते हैं अपने। इसका मोबाइल फोन नहीं है, मोबाइल फोन का स्क्रीन गार्ड टूट गया है। ये सब चीजें हमको इसी भौतिक जगत में लेकर के आएंगी। Of course, we're not against technology. We have to use the technology in service of Krishna. तो हम इस प्रकार की तकनीकी उन्नति से उसके विरोधी नहीं है, लेकिन ये सभी चीजों का उपयोग भगवान कृष्ण की सेवा में करने तब तो ठीक है। It's not activities which are the problem. We don't want to stop activity, but we need to know how to purify activity. तो कार्यों से हमें कोई विरोध नहीं है, लेकिन कार्य को कैसे शुद्ध करना है, कैसे भगवान से जोड़ना है, ये हमें सीखना होगा। It's wrong to think, oh, I have to stop all activity. Oh, I have to give up everything. No, that's not required. We just have to change the consciousness. ये सोचना कि मैं सारे कार्यों को बंद कर दूंगा अगर ऐसी बात है तो नहीं, ये शिक्षा नहीं मिल रही हमको। कैसे कार्यों को शुद्ध किया जाए, कैसे भगवान से जोड़ा जाए, ये बताया जा रहा है। The followers of Chaitanya Mahaprabhu were mostly grihasthas. They were in family life, but they were very good devotees. Chaitanya Mahaprabhu ke anuyayiyon mein dekha jata hai ki zyadatar log grihasth hain, lekin wo bade mahan bhakt hain. Prahlad Maharaj is born in a demon family, but he's a very good devotee. He has faith in the Lord. प्रहलाद महाराज भी एक असुर परिवार में जन्म हुआ है, लेकिन बड़े महान भक्त है। His father was asking him, "Where is this God?" And you know, we get these kind of people, demons, they will ask you, "Have you ever seen God? Is he there?" And so his father, Hiranyakashipu, was asking, "Where is this God you worship? Is he in here?" तो ये असुर प्रवृत्ति है। देखिए, आजकल भी लोग मिलते हैं, पूछते हैं, तो उनको आप बताइए भगवान के बारे में, बोलेंगे कहाँ है भगवान, आपके देखा है भगवान ने, आपको भगवान को देखा है? तो ये हिरण्यकश्यपु का विचारधारा है, बोले कहाँ है तुम्हारे भगवान, बताओ मुझे। But Prahlad had faith. Yes, father, he's there. He's in the pillar. और प्रहलाद महाराज कहते कि हाँ पिताजी, हम देख रहे हैं भगवान है, हर जगह पर है, वो दिखा रहे कि इस खंबे में है, बोले हाँ इस खंबे में भी है। And Lord Nrisingadev came out and said, yes, I'm here. और भगवान नरसिंह देव वहां से प्रकट हो गए, बोले यस प्रहलाद सही बोला आपने, मैं यहाँ पर हूँ। The Lord is everywhere. He's in everything. You have to have the eyes to see him. तो भगवान हर जगह पर विराजमान है, हमारी प्रेम से अंजन युक्त हमारी आंखें होने, दृष्टि होनी चाहिए भगवान को देखने के। So Prahlad, he had that vision, he had that prem, he had that love to see the Lord. He could see Krishna everywhere, in everyone, in everything. तो प्रहलाद महाराज के पास वो प्रेमांजन था, वो देख पा रहे थे भगवान को। उन्होंने सुना था अपने गुरु महाराज से कि भगवान को कैसे देखा जाता है कर्णों के द्वारा, वो सब जगह पर भगवान को देख पा रहे थे, वो जानते हुए कि भगवान हर जगह पर व्याप्त है। So he didn't want to waste his time in just learning about how to deal with the enemy and how to enjoy the material world. तो इस प्रकार प्रहलाद महाराज को कोई रुचि नहीं थी कि कैसे इस शिक्षा को, आसुरिक शिक्षा, भौतिक शिक्षा के कैसे भौतिक जगत का शोषण किया जाए, भोग किया जाए, इसके बारे में कोई रुचि नहीं थी। He knows that enjoyment in the material world will be very temporary. It has a beginning, it has an end. It doesn't last very long. वो जानते थे कि कोई भी भोग इस भौतिक जगत में उसका आदि है और अंत है।
So where to get that real happiness that we want? You have to cultivate your Krishna consciousness. You have to become God conscious. तो कैसे वो आनंद की प्राप्ति होगी जो हम लोग चर्चा के आरंभ में, जो आत्मा को प्राप्त होगा, हमको कृष्ण भावना भावित होना होगा. So Prahlad Maharaj was explaining to his friends that don't waste this life, don't be so foolish like all these other asuras. They were so mad to enjoy money. They want money, money. They're thinking money is the honey. तो वो कह रहे हैं अपने मित्रों को, देखिए अपना जीवन ऐसे व्यर्थ मत करो मेरे मित्रों, जैसे बाकी असुर लोग कर रहे हैं जिनके जीवन का उद्देश्य केवल धन कमाना. उनको लगता है कि धन में ही मधु है, बड़ा मीठा है, इसी से आनंद मिलेगा. केवल धन कमाना ये हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए. We see people who do what people who do to get money, they will kill their own family members even. और अब देखिए इतिहास में लोगों ने कैसे कैसे किया है राज्य प्राप्त करने के लिए, राजा बनने के लिए अपने ही परिवार के लोगों का लोगों ने वध किया है. इतिहास गवाह है. They will risk their lives to go and steal, to go and to break into people's houses. They will risk being killed or being put into prison for a long time just to get a little money. और कुछ धन की प्राप्ति के लिए लोग तो कितनी बार जाकर चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, लोगों के धन को लूटते हैं, फिर बाद में पूरा पूरा जीवन जेल में बिताते हैं. उद्देश्य क्या था? कि कुछ धन प्राप्त करने. They're thinking that money will give them happiness. They do not know that it's not true. The real happiness is within them, but they have to awaken that happiness. तो इस प्रकार से धन, कुछ धन की प्राप्ति के लिए उनको लगा कि धन से हमें आनंद मिलेगा. वो नहीं जानते थे कि इस प्रकार के धन से हमें ये जो वास्तविक आनंद है वो प्राप्त हो. People will do, they will take on work to make money. They will risk their lives. They will work in the most horrible, the most dangerous conditions just to make money. और कुछ भी चुनौती, कुछ भी अपने जीवन को खतरे में डाल करके भी धन के लिए लोग बहुत प्रयास करते हैं. I met this one man. His job was checking out skyscraper buildings because sometimes when they put up the skyscraper buildings, they get some cracks in them. And sometimes even the marble will be falling off. He's the one who goes up the building and he checks out everything to see if it's dangerous or not. He risks his own life every day just to make this living. जैसे आप देखिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग इमारतें होती हैं, तो इमारतों में कई बार जो है कुछ क्रैक हो गया, कुछ मार्बल निकल गया. कई बार लोग देखिए, लोग जो काम करते हैं ऊपर से वो हुक लगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती हैं और खाली वो रस्सी बांध करके और उस पर चढ़ करके कुछ करते रहते हैं. वो अपना पूरा जीवन खतरे में डाल के काम कर रहे हैं धन कमाने के लिए. Other people, their job is, you know, sometimes they put bombs and sometimes the bomb doesn't go off. And they have these people whose job it is to come along and check out the bomb if it's going to explode or not. Anytime they can be blown up, you know. This is a job. They do this kind of job. और कई बार जो ये एंटी बॉम्ब जो स्क्वाड होता है उनका जो काम देखिए किस प्रकार से है कि जहां पर बम की संभावना होती है बस में, गाड़ी में, कहीं पर, तो वो एक टीम आती है जो दक्ष होते हैं बम को निकालने में. तो वो अपना पूरा जीवन रिस्क में उनका डाल करके वो बम को जाकर के डिफ्यूज करते हैं. कभी भी बम एक्सप्लोड हो गया तो वो खत्म हो जाएंगे. People will do these things. Why? Just to get money. Because they think with money they will enjoy the life. और क्यों ऐसा करते हैं वो लोग? कुछ धन की प्राप्ति के लिए. उनको लगता है कि धन आएगा तो मेरा जीवन सुखपूर्वक हो जाएगा. So they have to learn what is real enjoyment. The real pleasure of life is not in the body. The real pleasure is in the soul. तो उनको ये ज्ञात नहीं है कि शरीर के भोग में, इस भोग की सुविधाओं में इतना आनंद नहीं है जितना कि अंतर्मुख होकर के जब आनंद समझा जाए कि हम आत्मा है और आत्मा के अंदर ही इतना आनंद भरा पड़ा है. Lord Chaitanya wanted to give blessings to his devotees.
So he had one devotee, Kolaveka Sridhar, and he called the devotee, he said, go and bring Kolaveka Sridhar here. And they brought Sridhar, they found his house, and they brought him to Lord Chaitanya. चतन महाप्रभु की लीला में महाप्रकाश लीला के समय उसके पश्चात वो कहते कि जाओ कोलावेश श्रीधर को लेकर के आइए। एक बहुत निर्धन व्यक्ति वहां पर थे, बड़े महान भक्त के निर्धन है बिल्कुल, जाओ उनको ढूंढ के लाओ, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो उनके पार्षद लोग गए और श्रीधर कोलावेश को लेकर के आए वहां पर। So Sridhar, he was not a rich man. He just had a little piece of land. He had some banana trees growing there, and he would sell some bananas. So sometimes he'd sell some banana fruit or some banana flower. तो वो बहुत निर्धन थे, वो एक्चुअली बहुत दृष्टिकोण से छोटे से उनके पास जमीन थी, उसे में उनके पास केले का पेड़ था और उसी केले और केले के पत्ते को बेच करके उनकी जीविका चलती थी। So Chaitanya Mahaprabhu asked Sridhar, he said, what blessing can I give you? Would you want wealth? You want a kingdom? You want some treasure? You want some beautiful wife? Or what can I give you? चतन महाप्रभु को पूछा कि देखो श्रीधर, आपको मैं कुछ वरदान देना चाहता हूँ, बताओ क्या चाहिए आपको? आपको मैं सब सिद्धि प्रदान कर दूं, किसी राज्य का राजा बना दूं, आपका सुंदर स्त्री से विवाह करा दूं, क्या चाहिए आपको बताइए, मैं आपको देना चाहता हूँ। So Sridhar said, why I should want anything? He said, everyone is suffering and enjoying according to the past. The bird is in the tree, has a nest in the tree. And the king is in his palace. He has his place in the palace. Everyone is suffering and enjoying according to their path. वो बोले कि मैं क्यों आपसे कुछ मांगूं प्रभु? सब लोग को अपने अपने प्रार्थ के अनुसार उनको सुख दुख मिलता रहता है, तो जो मुझे मिल रहा है उसको मिलने दीजिए, मैं क्यों आपसे कुछ और मांगूं? And Sridhar said, whatever income I get, I use 50% to worship Mother Ganga. I'm happy. That's all I want to do. जितना मुझे इस पत्ते को बेच करके धन मिल जाता है थोड़ा बहुत, उसकी आधी कमाई से मैं गंगा की सेवा करता हूँ और आधे में अपने आप रह लेता हूँ, मुझे कुछ आवश्यकता नहीं है, पूर्ण संतुष्ट है। He said that my home is not in good condition and my cloth is all ragged. I don't have any wealth, but whatever wealth I get, I must give 50% for my puja of Ganga. तो हालांकि मेरा घर देखिए किस प्रकार से, उनके घर में पानी छुआ करता था, उनके पास एक ही लोटा था और लोटे में भी छेद था, कपड़े सब फटे हुए थे, लेकिन इतने संतुष्ट थे वो कि जितना मिलता है मैं आधे से गंगा माँ की सेवा करता हूँ, आधे में अपने पसंद रहता। He said, this is my happiness. This is what gives me pleasure. Not just to get to take some benediction from you. So you want to benedict me? Benedict me that I can go on doing as I am doing. तो बोले कि ये मुझे पसंद करता है कि आप सदैव आते हो मेरे दुकान पर और आपको मैं देखता हूँ अपने सेवित प्रभु को, आपकी सेवा करने का अवसर मुझे प्राप्त होता है, ये मुझे बहुत आनंद देता है, आपसे मुझे और कोई वरदान नहीं चाहिए। अगर आप वरदान देना ही चाहते हैं तो यही वरदान दीजिए कि हर एक जीवन में मुझे ऐसी आपकी सेवा करने का अवसर प्राप्त हो, चाहे जैसी मेरी भौतिक अवस्था हो। And to be satisfied in every situation. ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा प्रहलाद महाराज हम सबको दे रहे हैं और महाराज बता रहे हैं, ये सीखना कि कैसे अपने मन के ऊपर नियंत्रण किया जाए। मन का नियंत्रण क्या है? मन की तपस्या संतोष। When we are happy, we should think, I don't deserve all this. This is the Lord's mercy. He's trying to encourage me. तो जब बहुत हमें कुछ जीवन में ऐसा आनंद की प्राप्ति हो तो उसमें हमको बहुत विनम्र होना चाहिए कि हे प्रभु, ये आपकी बड़ी कृपा है, मुझे तो ये नहीं मिलना था, लेकिन आप मुझे उत्साहित करने के लिए आप ये मुझे प्रदान कर रहे हैं। And when we're in trouble, in difficulties, we should think, I should be suffering more. Krishna has reduced the suffering. और जब दुख आए तो ये सोचें कि प्रभु आप बड़े दयालु हैं, मुझे तो और ज्यादा दुख मिलना चाहिए था मेरे कर्म के अनुसार, लेकिन आप बड़ी कृपा की आपने कि कम ही दुख दिया है तो मैं सह सकता हूँ, बड़ी कृपा है आपकी। ऐसे सुख दुख में हमारा भाव होना चाहिए। That is how the devotee thinks. इस प्रकार से एक भक्त जो है वो सोचते हैं।
But the asuras, they're thinking, why this happened to me? Why I'm suffering? Why? They're never happy, never satisfied. और ये आसुरिक स्वभाव है जो कभी प्रसन्न नहीं रहते कि मेरे साथ क्या ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मेरे साथ ऐसा किया जा रहा है, भगवान क्यों ऐसे मेरे साथ में कर रहे हैं. ये आसुरिक स्वभाव है, हमेशा वो अप्रसन्न रहते हैं हमेशा. So we have to learn from Prahlad Maharaj how to be happy, how to be peaceful, how to control the mind and senses by always remembering the Lord. ये प्रहलाद महाराज हमको बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा दे रहे हैं कि हर सुख दुख की स्थिति में कैसे हम प्रसन्न रहें, सदैव भगवान की कृपा का अवलोकन करते रहें अपने जीवन में. And how to remember the Lord in this age? By chanting the Hare Krishna mantra. और इस कलयुग में हम कैसे भगवान को स्मरण कर सकते हैं? भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करते हुए. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे. So chanting the holy name, this is the cure for all the problems of the world. ये भगवान के पवित्र नाम का जप और कीर्तन इस जगत की सभी समस्याओं का समाधान इसके अंदर छुपा हुआ. We want to deliver the holy name. Mahaprabhu predicted, Prithivati Achiya Novarabhudra Sarvatra Pracharai Devorana. So we want to take the holy name to every town and village all over the planet. चतुर महाप्रभु के आदेश के अनुसार पूरे जग के हर एक गांव, कस्बे, हर जगह पर इस पवित्र भगवान नाम को लेकर जाने का संकल्प प्रभुपाद की कृपा से देखा जा रहा है, सब को शुद्ध करने के लिए. By your chanting here, Kuwait is becoming a holy place. हरि बोल. महाराज कह रहे हैं कि जब आप लोग यहाँ पर इतने भक्त बैठ करके भगवान के नाम का उच्चारण कर रहे हैं, पूरा कुवैत देश जो है वो शुद्ध हो रहा है. Because the devotees are here and the chanting of the holy name is going on, so that this is making the holy place. क्योंकि इतने भक्त हैं और एक साथ में वो भगवान के नाम का जप कीर्तन कर रहे हैं, तो इसी की वजह से ही पूरा स्थान पवित्र हो जाता है. When Vidura came back from pilgrimage, Maharaj Yudhisthira greeted him and welcomed him back home and said, "You are the personification of the holy place because you carry the Lord in your heart." ये बहुत बड़ा सौभाग्य देखिए हम सब का है कि अभी हम लोग वही वृत्तांत सुन रहे हैं भागवतम की अपनी कक्षा में हर शुक्रवार को, और महाराज वही बता रहे हैं अभी कि जब महाराज युधिष्ठिर के राज में जब विदुर जी गए थे तीर्थ यात्रा पर वापस आते हैं, तो महाराज ईश्वर से बोलते हैं कि आप तो स्वयं तीर्थ हैं और आप तीर्थों को भी पवित्र करने वाले हैं, क्योंकि सदैव आप भगवान के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करते हैं. So it's the presence of the devotees makes this the holy place. तो ये भगवान के शुद्ध भक्तों की उपस्थिति होती है जो किसी भी स्थान को पवित्र तीर्थ स्थान बना देती है. And the business of the devotees is to chant the holy name and talk the glories of the Lord. और भगवान के भक्तों का क्या कार्य होना चाहिए? उनका एक ही कार्य है कि भगवान के नाम और रूप गुण लीला का श्रवण कीर्तन में सबको युक्त करना और खुद भी करना. सतम प्रसंगा मम वीर्य संविदो भवंतिर कारण रसायन कथा The topics of Lord Krishna, when heard in the association of devotees, very pleasing to the ear and to the heart. तो श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय के 25वें श्लोक में 325-25 यहाँ पर बता रहे हैं कपिल देवभूति संवाद में कि किस प्रकार से भक्तों के साथ में बैठ करके जब भगवान की कथा का श्रवण कीर्तन होता है तो हमारे मन और हृदय को बहुत प्रसन्न करता है, और उसके बाद वो हमारे इस जीवन की पवर की चर्चाओं को छोड़ करके अपवर के रास्ते को खोलते हैं, और श्रद्धा भक्ति श्रद्धा से लेकर के प्रेम तक रुचि तक ये अनुक्रम क्रम से हमको उस ओर अग्रसित करते हैं. So by hearing you progress, Shraddha Ratir Bhakti Anukramishati.
you progress from faith to attachment to prema, the love of God. तो इस प्रकार से जो हम क्रम से आगे बढ़ते हैं श्रद्धा के स्तर से, कैसे हम साधु संग करते हुए फिर आसक्ति भाव और प्रेम वो स्तर पर आगे बढ़ते हैं. So just follow this process, just like Prahlad was hearing and then chanting. So you go on also follow in the footsteps of these great devotees. तो जिस प्रकार से प्रहलाद महाराज ने यहाँ पर देखा वो श्रवण करके अब कीर्तन कर रहे हैं, अपने बालक मित्रों को बता रहे हैं. आगे हम देखेंगे किस प्रकार से स्मरण करते हैं वो, तो श्रवण कीर्तन स्मरण से लेकर के नवधावृत्ति के जो अंग हैं, इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं. Prahlad Maharaj is one of the Mahajans, is one of our authorities in the process of devotional service, and we are encouraged to follow in the footsteps of these great Mahajans. तो प्रहलाद महाराज 12 महाजन में से एक महाजन है वो, और महाजन का अर्थ है कि वो अथॉरिटी है भक्ति में, जीवन में हमको उपदेश देने के लिए, हमको निर्देश देने के लिए, और उनके चरण कमलों का अनुगमन हमें करना चाहिए जिससे कि हम लोग भी उसी पथ पर चल सके. We come together to chant the glories of the Lord, to discuss his wonderful pastimes and qualities. हम सब साथ में इसलिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं कि किस प्रकार से हम भगवान और भगवान कैसे शुद्ध भक्तों के उपदेश निर्देश उनके गुणों को समझने का प्रयास कर सकें. This is real sadhu sangha, real association. तो ये वास्तविक साधु संघ है ये. And that kind of association is what makes our life successful. That it will take us back home, back to Krishna, to associate with him. और इस प्रकार का संघ ही हमारे जीवन का हमको परम उद्देश्य भगवत धाम, जहाँ पर हम भगवान के शुद्ध भक्तों के साथ में भगवान की सेवा में युक्त हो सकें, ये अवसर हमें प्रदान कराती है. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. इतना सुंदर अमृत प्रवाह हमारा आज के मुख से होता है, शिव मुख से. लगता है कि लोग ऐसे पूरा दिन बैठ के सुनते रहे. नहीं तो ये अवसर महाराज हमको आज देंगे. आज महाराज की 4 कक्षाएं हैं, इसके बाद 3 कक्षाएं और हैं. इसके बाद आप लोग 10 बजे पहुंचेगा जपताका हॉल में, वहां पर महाराज के श्रीमुख से श्रवण करने का अवसर प्राप्त होगा. उसके बाद फिर सालमिया में